हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग भाई। तो स्वागत है मेरे इस सीरीज़ की, या फिर बोल सकते हो घूमने फिरने की वीडियो का पार्ट 3। भाई हम जा रहे हैं अब करोल बाग। जैसे आपने पिछली लास्ट वीडियो में देखा मेरा, हम गए थे पाली का बाज़ार, चोर बाज़ार, सदर बाज़ार, और कहाँ गए थे बताओ भाई। तुम्हें वीडियो देखते हो तो बताओ कमेंट करके, एक जगह और कहाँ गए थे हम। भाई हम जा रहे हैं करोल बाग, और भाई हमने मैंने यहाँ से सैंडविच लिया था भाई। ये पनीर भाई इतना बेकार, जिसे कहते हैं ना बासी, था भाई। इसे लेना वेस्ट है मेट्रो स्टेशन से, तो बाहर से लेके खाओ वो बढ़िया। उसके बाद हम पहुंच गए भाई यहाँ करोल बाग। करोल बाग भी भाई ख़त्म हो गया है अब देखा जाए तो। इसमें कुछ नहीं मिलता अब जैसे पहले था करोल बाग, लॉकडाउन से पहले का जो करोल बाग था भाई, और अब का करोल बाग है, दिन रात का अंतर आ गया है। कुछ सामान इतना खास सस्ता नहीं है, इससे बढ़िया तो पाली का बाज़ार ही थे हमारी। उसमें सामान भी अच्छा मिल जाता है, क्वालिटी भी, हर चीज़, मतलब रेट, बार्गेनिंग, सब चीज़ अच्छी हो जाती है वहाँ। हाँ तो स्टार्टिंग में बस ये कुछ दुकान है, उसके बाद तो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं भाई, जो नॉर्मली सब जगह पे होती है दिल्ली में हमारे। तो यहाँ पाली का में आना तो भाई बेकार है, पाली का बाज़ार कह रहा हूँ, करोल बाग में तो आना वेस्ट है। तो गाइस करोल बाग में तो जाओ मत जाओ, बराबर है। तो इससे बढ़िया अपना घर पर रहो, नहीं तो अपना पाली का बाज़ार चले जाओ, चांदनी चौक चले जाओ। और हाँ, मेरा ये सवाल का जवाब ज़रूर देना गाइस, मैंने एक जगह का नाम नहीं बताया है, दो जगह का, एक का तो बता दिया फिर भी आप नहीं समझ पाएंगे, तो बताना ज़रूर कौन से मैंने दो जगहों का नाम नहीं बताया है जो मैं फर्स्ट या सेकंड व्लॉग में गया था। तो भाई ये कपड़ों की शॉप्स थी जो स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ मैं, कुछ जिन पर लेडीज़ सामान था ऑलमोस्ट ज़्यादातर, और भाई ये सब कुछ खास सामान मुझे लगा नहीं। ये झुमके, चप्पल, जूते, इस साइड भी, इस ये लेफ्ट साइड में तो भाई सारे में बड़ी बड़ी दुकानें थी इस साइड, और राइट में ही थी जो कुछ दुकानें थी। भाई ये मंदिर वंदिर आ जाएगा, शूज़ की शॉप भाई एक ये भैया लगाते हैं, ये महंगे तो बहुत देते हैं पर इनका कलेक्शन बहुत तगड़ा है भाई जूते का। पूरे करोल बाग में खाली बस इन्हीं के जूते हैं जो अच्छे भी लगते हैं, बाकी सबके तो डेड बोलो यही कह सकते हो, इतना कुछ खास नहीं। और भाई ये बड़े बड़े शोरूम्स आएंगे, इससे तो भाई अपने घर पे ही रहो, गर्मी में मत घूमो। ठंड में कलेक्शन फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है करोल बाग का, पर गर्मी में तो भाई मैंने देखा जो हालत थी ख़त्म भाई ख़त्म, करोल बाग ख़त्म हो गया ऐसा लग रहा था, कुछ भी तो नहीं था भाई। उसके बाद घूम फिर के हम चले गए खाने पीने की तरफ, और ढूंढते ढूंढते हम दिखाता हूँ गाइस हम क्या ढूंढ रहे थे, आपको थोड़ा सा वेट करो। और ये मियाँ जी इतनी स्पीड में मारते भाई एकदम से, ये भी पहले तो स्लो थे फिर स्पीड फिर स्लो हो गए। और बाकी कुछ ऐसा था नहीं भाई इस व्लॉग में दिखाने के लिए, पर व्लॉग पड़ा था, मैंने सोचा एडिट कर लेता हूँ, वॉइस ओवर कर लेता हूँ और डाल देता हूँ। आपको दिख ही गया होगा अगर आप समझदार होंगे तो, मैं खाने के लिए क्या ढूंढ रहा था और क्या मुझे मिला। बाकी गाइस बने वीडियो देख के समझ ही गए होंगे भाई मैं कहाँ पे क्या ढूंढ रहा था, मैकडोनल्ड्स। भाई भूख लगी थी यार मेरे दोस्त को और मुझे बहुत तेज़, तो भाई हम आ गए इसमें और ऊपर बैठ के हमने ऑर्डर कर दिया। और भाई यहाँ पे देखो ये भाई शॉप बहुत प्यारी थी, पर यार ये सीन मैं डर गया देख के एक बार। तो ये पुतले, मैंने सोचा पुतले कैसे इन लग गए, भैया थे सफाई वफाई पता नहीं क्या कर रहे थे, पुतलों के बीच में से घूम रहे थे ये, जब पूरा मतलब स्टार्टिंग से तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, पर मैं डर गया था देख के यार ये पुतले क्यों हिल रहे हैं। फिर देखा एक भैया है। उसके बाद भाई यहाँ से खाने पीने के बाद मैंने शिफ्ट किया, यहाँ दूसरी जगह पे चला गया भाई, मैं इसका नाम भूल गया, पता नहीं क्या था, मुझे कमेंट करना है, अब लिखा होगा द बर्गर क्लब पे गया था हम। और भाई ये फ़ोन की मार्केट जिसे पता होगा कौन सी है आप भी बताओगा, इस मुझे दिख भी नहीं रही, गफ्फार मार्केट आई थिंक भाई, यही ठीक है। और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, गुड बाय गाइस।